हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर फाइनेंशियल अकाउंट का जो एमएस यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, जो कि बिल्कुल बेस्ड ऑन एमसीक्यू होने वाला है। तो प्रिपरेशन कुछ भी स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए, ऐसे ही हम पूरा वर्कर है उसका बेनिफिट कुछ मिलने वाला नहीं है, तो स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो स्टार्ट कर दे फर्स्ट वन। यूनिट वन में आपको क्या करना रहेगा, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड कौन से हैं, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स कौन से हैं, उन सबका एक बार लिस्ट रिफर कर लो, उसमें से आपके पास एमसीक्यू आने वाला है। सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। कंपेरेटिवली यहाँ पे शॉर्टकट मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करो, कैसे शेयर का जो कैलकुलेशन होता है, शेयर फॉरफिट कैसे किया जाता है, री इश्यू अगर कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, इसके रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। और ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्रोरेटा। प्रोरेटा मीन्स अपने पास जितने नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल है उससे ज्यादा अगर पब्लिक डिमांड कर रही है, दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे प्रोरेटा कैसे हम शेयर इश्यू करें उसका भी एक बार कैलकुलेशन देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, जब हम लोगों को पता है कि अपनी हैसियत नहीं है शेयर इश्यू करने की, तो उस टाइम पे हम अंडरराइटर्स दैट मींस बीच में ब्रोकर को रखते हैं। दैट मींस अभी जो भी शेयर इश्यू करेंगे वो ब्रोकर की जिम्मेदारी है। तो ब्रोकर की कितनी जिम्मेदारी है, दैट मींस ग्रॉस लायबिलिटी और नेट लायबिलिटी यहां पे पूछ सकते हैं, बट ऑब्वियसली ब्रोकर है मुफ्त में काम नहीं करेंगे, तो कैलकुलेशन आपको करना रहेगा कमीशन। कमीशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, चाहे वो डिबेंचर हो या फिर शेयर हो। डिबेंचर है तो 2.5% कमीशन रहेगा, शेयर्स अगर इश्यू कर रहे हो तो 5% कमीशन है, वहां पे मैक्सिमम परमिसेबल हो सकता है। देन आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर मींस अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है बहुत सारा, तो कंपनी क्या कर दी है, नॉर्मली डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए, बट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड भी अगर कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बैलेंस में है, तो कंपनी मुफ्त में शेयर बांट देती है। किन लोगों को, तो क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। बट क्वेश्चन मार्क ये अराइज होता है कि कुछ हमारे पास जो शेयर होल्डर्स है वो फुल्ली पेड अप है और कुछ जो शेयर होल्डर्स है वो पार्टली पेड अप है, तो क्या उन लोगों को किस तरीके से हम बोनस इश्यू करते हैं उसकी एक बार एंट्री देख लेना, क्या क्या रिसोर्सिस है, कहां से हम पैसे उठा सकते हैं बोनस शेयर इश्यू करने के लिए। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर में आपको देखनी रहेगी एंट्री रिगार्डिंग फुली पेड अप और पार्टली पेड अप। यस, इसके रिगार्डिंग पूरा एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो आप वहां से रिफर कर सकते हो। देन आफ्टर बायबैक शेयर। कभी कभी कंपनी खुद के शेयर परचेज कर लेती है, तो जिसको हम बोलते हैं बायबैक, तो उसकी कंडीशन और जो रूल्स है कब कंपनी बायबैक कर सकती है, कितने परसेंटेज बायबैक कर सकती है, उस टाइम पे क्या इक्विटीज होनी चाहिए, क्या सरप्लस होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड रेशियो एक बार देख लेना सारी कंडीशन। ये आपने क्लियर कर लिया तो यूनिट वन का मेजोरिटी पोर्शन आपके पास फिनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर टू में। यूनिट नंबर टू में आपके पास चैप्टर आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दैट मींस प्रेफरेंस शेयर कंपनी जब भी इश्यू करती है तो उसको 5 साल 10 साल 12 15 साल के बाद रिडम्पशन करना होता है, रिफंड करना होता है, तो कैसे रिडम्पशन किया जाता है उसकी एंट्री। बट यहाँ पे एमसीक्यू किसके रिलेटेड पूछेंगे, रिडम्पशन की प्रोसेस हो गई एट द एंड ऑफ, हमारे पास कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस क्या रहेगा उसका कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना बचेगा, प्रोसेस दैट मींस हमारे पास जो हमने शेयर इश्यू किए हुए हैं उसमें से हमारे पास प्रोसीड कितना है, दैट मींस फ्रेश इश्यू जो हम नए शेयर इश्यू कर रहे हैं उसमें से कितनी अमाउंट मिली है वो आपको पूछ सकते हैं, CRR में कितना ट्रांसफर कर रहा है, दैट मींस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर लेके जा रहे हैं, और प्रीमियम का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, बट जब हम रिडम्पशन करते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो कैसे उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मर्ज करना रहेगा उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एमसीक्यू अवेलेबल हो सकते हैं। देन आफ्टर सेकेंड चैप्टर है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब ये चैप्टर क्या कह रहा है, मेरी खुद की एक पार्टनरशिप फर्म है बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंपनी में कन्वर्ट कर देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म को अगर मैं कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगा तो ऑब्वियसली मैं ईयर एंडिंग तक का तो वेट तो नहीं करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा पूरे साल का जो भी अकाउंट होगा उसमें कुछ टाइम आपके पास फर्म होगी और कुछ टाइम आपके पास कंपनी होगी,
तो यहां पे आप ये देख लो कि कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो ओनली एंड ओनली रिलेटिंग टू फर्म है या फिर ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू कंपनी है। इनकम में भी एक बार देख लो कि कौन सी ऐसी इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ फर्म में इनकम हो रही है और कौन सी ऐसी इनकम है जो सिर्फ कंपनी में ही पॉसिबल है। बट कुछ एक्सपेंस और कुछ इनकम फर्म और कंपनी दोनों में पॉसिबल हो सकती है, तो उसको किस रेशियो में क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो एक्सपेंस इनकम के बाद देख लो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या पर्टिकुलर कोई इनकम सेल्स रेशियो, परचेज रेशियो में डिवाइड हो सकती है या फिर टाइम रेशियो में डिवाइड हो सकती है। यस, तो यहाँ पे एक और कैलकुलेशन देख लो कि हाउ टू फाइंड आउट सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, परचेज रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यस, और वन मोर थिंग, अगर परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हैं दैट मींस इंटरेस्ट पेड टू वेंडर का भी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडर करना होगा कि पीसी का पेमेंट अगर हम लेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट प्री में कितना रहेगा, पोस्ट में कितना रहेगा, ये इसके रिगार्डिंग आपके पास एमसीक्यूज हो सकते हैं। देन आफ्टर यूनिट नंबर 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर है बट कंपैरेटिवली बहुत सारे पॉइंट आपके यहाँ पे कवर होते हैं। इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर दैट मींस वन काइंड ऑफ लायबिलिटी जो कंपनी जनरल पब्लिक के पास से पैसे कवर करती है एज अ ना एज अ डिबेंचर, बट वो भी 5-10 ईयर के बाद जो रिफंड करना होता है वो कैसे रिफंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये याद रख लो कि अगर डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तो डिबेंचर इश्यू कैसे कर सकते हो, एट पार डिस्काउंट और प्रीमियम से इश्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, डिबेंचर डिस्काउंट से इश्यू कर सकते हैं बट कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हम शेयर जो इश्यू करते हैं वो डिस्काउंट से इश्यू नहीं कर पाएंगे। तो डिबेंचर एट पार एट डिस्काउंट और प्रीमियम से भी इश्यू हो सकता है बट रिडम्पशन एट पार और एट प्रीमियम, दैट मींस रिडम्पशन डिस्काउंट से नहीं हो पाएगा। तो यहां पे इसके लिए आपके पास 6 अलग अलग केसेस क्रिएट हो सकते हैं। दैट मींस इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, उसकी एंट्री देख लो, 2 केस हो गए मेरे पास। इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो ये 2 केस हो गए, उसकी भी एंट्री इंपॉर्टेंटली वेरीफाई कर सकते हो आप। इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार और इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो यहां पे आपके लिए 2 और केस हो गए, तो टोटल मिला के यहां पे आपके पास 6 केस अवेलेबल है, उसकी एंट्री इंपॉर्टेंटली वेरीफाई कर लो कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। देन आफ्टर अदर देन कैश, डिबेंचर इश्यू तो कर रहा हूं बट डिबेंचर इश्यू करते समय मैं कैश रिसीव्ड नहीं कर रहा हूं, अदर देन दैट मींस हो सकता है कि मैं असेट परचेस कर रहा हूं उसके सामने डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, तो वो उसकी एंट्री कैसे लिखी जाती है, और अगर मैं कोई असेट ले रहा हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिबेंचर मेरे को इश्यू करने रहेंगे, दैट मींस फाइंड द नंबर ऑफ डिबेंचर, ये वाला क्वेश्चन होने वाला है 100% है आपके लिए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे फाइंड आउट करते वो देख लो। और एट लास्ट यूनिट नंबर 4 थोड़ा टिपिकल होने वाला है आपके लिए। यूनिट नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट, कंपैरेटिवली चैप्टर इजी है बट अगर दिमाग में घुसे तो नहीं, तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट दैट मींस हम बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकता हूं। फर्स्ट वन हमारे लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जहां पे हमको फिक्स रिटर्न मिलेगा, बॉन्ड है डिबेंचर है हमारे पास फिक्स है इंटरेस्ट, बट अगर मैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वहां हमारे पास जो इनकम होगी, जो रिटर्न होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, कभी कभी डिविडेंड मिलेगा और कभी डिविडेंड नहीं भी हो मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, परचेज और सेल्स का कैलकुलेशन देख लो, नॉमिनल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, कॉस्ट क्या है उसके लिए हमारे पास, अगर कैलकुलेट कर रहे हो इंटरेस्ट तो एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट से कैलकुलेट कैसे करना है वो एक बार कैलकुलेशन देख लो, लॉस और प्रॉफिट इन सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, अगर मैं शेयर और डिबेंचर सोल्ड आउट कर रहा हूं तो उस टाइम पे मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो देख लो, इंटरेस्ट क्या कोई पर्टिकुलर कंपनी हाफ ईयरली पेमेंट कर रही है, ईयरली पेमेंट कर रही है, क्वार्टरली पेमेंट कर रही है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी आपको देख लेना होगा, और प्री एंड पोस्ट डिविडेंड दैट मींस शेयर खरीदने से पहले मेरे को अगर डिविडेंड मिल रहा है, शेयर खरीदने से बाद मिल रहा है, प्री और पोस्ट डिविडेंड की एंट्री कैसे होगी और कहां पे एंट्री होगी उसका कैलकुलेशन देख लेना होगा। सेकंड लेवल पे आपके पास चैप्टर आएगा लीज, लीज दैट मींस
मैं खुद असेट तो परचेस नहीं कर रहा, बट असेट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, वो असेट मेरी कहलाएगी। 5 to 10 ईयर मैक्सिमम 99 ईयर तक भी हम लीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि टाइप ऑफ लीज दो ही हमारे पास है, ऑपरेटिंग लीज और फिनांस लीज। खास करके उन दोनों का डिफरेंस देख लो जो एमसीक्यूज के लिए बेनिफिटेड होने वाला है आपके लिए। तो डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फिनांस लीज, एंड एट लास्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डेफिनेशन देख लो क्या क्या इंक्लूड हो रहा है डेफिनेशन में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वाले जो हमारे पास एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या हम कवर कर रहे हैं, दैट मींस इंक्लूसिव क्या हो रहा है और एक्सक्लूसिव क्या हो रहा है, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो सकता। अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगी जो असेट की वैल्यू है। तो कॉस्ट ऑफ असेट फाइंड आउट करना भी सीख लो। और एट लास्ट कभी कभी क्या होता है, मैं पर्टिकुलर कोई असेट यूज करके आ रहा हूं, मेरे पास अभी पड़ी है बट यार वो पुरानी असेट है, अभी पुरानी असेट को मैं नई असेट के साथ एक्सचेंज कर रहा हूं, तो उसमें क्या मेरे को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका भी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना होगा, एक्सचेंज लॉस और गेन। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंस में बोलने जाऊं तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू कौन से रहने वाला है, ये देख लो। एक तो कैपिटल रिजर्व वाला, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, कमीशन वाला ये आने वाला है, बोनस शेयर के रिलेटेड, बायबैक की जो कंडीशंस है वो कंडीशंस इसके रिलेटेड एमसीक्यू आने वाले हैं, कंफर्म है। यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, पी एंड एल का, सीआरआर का कैलकुलेशन पूछने वाला है आपको, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, यहाँ पे फाइंड आउट ऑफ डिबेंचर ये एमसीक्यू 100% होने वाला है। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट में देखने जाए तो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, प्री एंड पोस्ट डिविडेंड का कैलकुलेशन, लास्ट में डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और कॉस्ट ऑफ असेट फाइंड आउट करना। ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जहां पे जो मैंने अभी टिक किए हुए उसके ऊपर एमसीक्यू 100% है, कंफर्म है। मिनिमम आपको यहां से एक दो एमसीक्यू तो आराम से मिल जाएंगे, जो मैंने टॉपिक टिक किए हुए उसके ऊपर तो 100% लिख लो गारंटी के साथ मिलने वाले हैं। तो अगर इस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया तो आपकी एग्जाम टॉप लेवल पे जाने वाली है। फिर भी कुछ छोटा मोटा डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।